सरकार बनेगी, 300 सीट से ज़्यादा सीट आवेगा, गर्दा उड़ेगा कल अबीर का और बुलडोजर चलेगा बड़ी तेजी से। तेजस्वी जी को भी कल हम लोग लड्डू खिलावेंगे। अब लड्डू उड्डू मत सोचें, सत्ता मिला तो परिवार को सेवा किए, अब जो राज्य और राष्ट्र की सेवा करेगा वही लड्डू खाएगा। उसका बॉस है वही कहा था कि कई लोग यूपी छोड़ने वाले हैं, ऐसे लोगों को भी बिहार छोड़ना पड़ेगा, MIM को भी। मंदिर के हेडइए हैं लेकिन राष्ट्र मंदिर में अब हम लोग रहेंगे, राज्य मंदिर में हम लोग रहेंगे। विधानसभा तो लोकतंत्र का मंदिर ही होता है ना, हम लोग उसमें रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ये दावा किया है कि कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी भारतीय जनता पार्टी लड्डू खिलाएगी। देखिए, हरिभूषण ठाकुर बचौल बिस्फी से विधायक है और उन्होंने ये दावा कर दिया है कि कल बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा था कि एग्जिट पोल्स के लड्डू जो है वो खाने दीजिए भारतीय जनता पार्टी को, असल लड्डू तो अखिलेश यादव खाएंगे, यानी कि सपा की साइकिल जो है उत्तर प्रदेश में चलेगी। अब इसको लेकर के बिस्फी से विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने यह दावा कर दिया है कि तेजस्वी यादव को तो लड्डू कल भारतीय जनता पार्टी खिलाएगा। जिस तरह से कल जो है परिणाम आने हैं उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है ये दावा कर रही है कि कल उनकी सरकार बनेगी, यानी कि योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे, लेकिन इधर तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि सपा की साइकिल जो है उत्तर प्रदेश में चलेगी। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि कल लड्डू जो है भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव को खिलाने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को शक है कि कल तेजस्वी यादव आएंगे या नहीं। सुनिए, बिस्फी से विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने तेजस्वी यादव के लड्डू खिलाने को लेकर क्या कहा है। सरकार बनेगी, 300 सीट से ज़्यादा सीट आवेगा, गर्दा उड़ेगा कल अबीर का और बुलडोजर चलेगा बड़ी तेजी से, विकास और जो तक्षक है उस पर बुलडोजर कल से खूब चलेगा। EVM है, खोरा है, विपक्ष कह रहा है। अब खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे, जनते चला गया, पूजिए गायब है तो लगेबे करेंगे आरोप। ट्रक से भी हम तो उससे पहले ले लिए थे टिकट लंदन का। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र विरोधी लोगों की सरकार दिल्ली में नहीं बननी चाहिए। उनके जो कौन जान है, उनके जो जोकर है, जो उनका बॉस है वही कहा था कि कई लोग यूपी छोड़ने वाले हैं, ऐसे लोगों को भी बिहार छोड़ना पड़ेगा, MIM को भी। अब राष्ट्रवाद की गाड़ी तेजी से चल चुकी है और कल के परिणाम के बाद 24 में पुनः मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये भी सत्य हो जाएगा। इसीलिए इन लोग जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं वो छटपटा रहे हैं, उन लोगों का अंतिम समय आ गया है, अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है उन लोगों की। क्या करेंगे, पहले क्या बोलते थे, अब हार का तो अंदेशा पहले था, तब ना लंदन का टिकट ले लिए थे समाजवादी पार्टी के नेता। कौन कौन लिए थे लंदन का टिकट? लंदन का टिकट लिए थे राहुल जी, बाबुल जी, वो क्या नाम है उनका, लंकेश, दंगेश, ये सब ले लिया था। अशोक राज भर ने आज भी कहा है कि कल 10 बजे सुबह में हम लोग मिलेंगे, मंदिर चल जाएंगे। हम लोग मिलेंगे मंदिर, मंदिर तो हम लोग का आराध्य है, मंदिर में तो हम लोग रहेंगे, मंदिर तो मान लीजिए मंदिर के हेडइए हैं, लेकिन राष्ट्र मंदिर में अब हम लोग रहेंगे, राज्य मंदिर में हम लोग रहेंगे। विधानसभा तो लोकतंत्र का मंदिर ही होता है ना, हम लोग उसमें रहेंगे। आ ये लोग तेजस्वी जी को भी कल हम लोग लड्डू खिलावेंगे, अब लड्डू उड्डू मत सोचें, सत्ता मिला तो परिवार को सेवा किए, अब जो राज्य और राष्ट्र की सेवा करेगा वही लड्डू खाएगा, निश्चित खिलाएंगे। वो खाएंगे नहीं, वो तो कल आएंगे कि भी नहीं आएंगे हमको संकेत है। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरामा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।